बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। समारोह में पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा, तो वहीं ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की भी बात कही। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि 30 मिलियन भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं। प्रवासी भारतीय जहां भी रहें उसे ही कर्मभूमि मानते हैं और वहां विकास के काम में योगदान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पासपोर्ट का कलर नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की और कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से विदेश में रह रहे भारतीयों की बहुत शीघ्र मदद करने का काम किया है। इसके अलावा पीएम ने प्रवासी कौशल विकास योजना के बारे में बताया, जिसके तहत प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्थानों में 3 महीने कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही पीएम ने यहां भी काले धन का मुद्दा उठाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार हमारी राजनीति और प्रयासों को धीरे धीरे खोखला करता रहा। काले धन के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता का विरोधी दर्शाते रहे हैं। भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने में जो समर्थन प्रवासी भारतीयों ने दिया है, मैं उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ब्रेन ड्रेन का काम किया और हमारी सरकार में ब्रेन गेन पर काम हो रहा है। इसके साथ ही OCI कार्ड परिवर्तित की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत PIO कार्ड धारक अपने कार्ड को 30 जून 2017 तक OCI कार्ड में बदल सकेंगे। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय का यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस मौके पर पुर्तगाल के PM एंटोनियो कोस्टा ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में दुनिया भर से 6,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगे और साथ ही समापन भाषण भी देंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।